हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा पर्पल हॉल, जो कि आप देख सकते हैं दो बॉक्सेस में मेरे पास है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी हॉल नहीं है, बहुत छोटा भी हॉल नहीं है। पर्पल पे अभी सेल चल रही है, आई लव ब्यूटी सेल, जिसमें आपको 50% ऑफ में जो है आप सामान ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है। अगर आप शॉपिंग नहीं कर रहे हो बट इस टाइम आपको कर लेना चाहिए अपने वैलेंटाइंस के लिए। आज लास्ट डेट है, अगर आप करना चाहते हो तो आज ही आपको ये सेल मिलेगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, तो जाके फटाफट से ले लीजिए। मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स गाइस 50% ऑफ में लिया है, तो हाफ से हाफ प्राइस में है जो मुझे ये सारा लाइक मिला है। क्योंकि मैं ज़्यादातर पर्पल से जब 50% ऑफ होता है तभी मैं शॉपिंग करती हूँ, ताकि मेरा जो है बजट ना हिले एंड मैं बहुत सारी शॉपिंग कर पाऊँ। नॉर्मली मैं शॉपिंग नहीं करती बट 50% में मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उसकी प्राइस मुझे ऑलमोस्ट याद नहीं है, बट लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट सबकी प्राइजेस हाफ है, तो मैं इतना आपको पहले बता देती हूँ कि हर किसी की प्राइस मैं नहीं बता पाऊँगी। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है सैंड इवेंस का। सो दिस इज़ अ मुल्तानी मिट्टी लोशन विथ नेचुरल रोज़ वाटर। इसका मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा था, उसके बाद मैंने ये लिया है, क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ बॉडी लोशन टाइप का, लाइक जो मैं नहाते टाइम यूज़ कर पाऊँ, जो कि एक पैक की तरह काम करे। विंटर में ऑलमोस्ट स्किन जो है ब्लैक हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये लिया था। इसके रिव्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा अच्छे थे, दैट्स वाई मैंने ये पिक किया। बट इसकी प्राइस ऑलमोस्ट हमेशा 499 ही रहती थी, बट इस बार सेल में मैंने लिया है तो ये मुझे लाइक 250 रुपीज़ का ये बॉटल मिला है। सो यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट मैंने ये पिक किया है। इसकी बॉटल बहुत ही अच्छी है, लाइक आप आराम से रख सकते हो अपने बाथरूम में, क्योंकि ये ग्लास बॉटल नहीं है, ये प्लास्टिक का है, तो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये लिया है। सो नेक्स्ट स्किन केयर में मैंने पिक किया है, जो कि पर्पल की चाइल्डहुड बेस्टीज लिप बाम, जो कि लॉन्च हुई है। इसमें मैंने टू वेरिएंट्स लिए हैं, एक मैंने लिया है रोज़ 5 एंड दूसरा लिया है मैंगो 4। सो इसके दो मैंने पिक किए हैं। ये बहुत ही क्यूट सी है, मैं आपको एक ओपन करके बता देती हूँ। इसका मैं रिव्यू भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इसका सिर्फ मैंने जो है इसके पैकेजिंग के लिए लिया है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा है, आप देख सकते हैं डोम शेप में है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। बट ये गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है आप देख सकते हैं पूरा गोल नहीं है, ये आराम से रुक जाएगा, बहुत क्यूट है। तो मैंने ये वाला लिया है। ये मुझे 78 रुपीज़ का एक लिप बाम मिला है। इसकी MRP है 155 रुपीज़। आपको जो है मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि इसमें सेल आए, बट ये कभी भी सेल में नहीं मिल रहा था मुझे, मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा था। सो उसके बाद जो है ये जब सेल आई तो उसके बाद मुझे 78 रुपीज़ का एक लिप बाम मिला है। तो ऑलमोस्ट अच्छी बात है, अगर आपको 78 रुपीज़ में इस टाइप की पैकेजिंग में लिप बाम मिल रहे हैं तो विंटर में तो वैसे ही चाहिए होता है। तो मैंने दो ये पिक किए हैं। सो नेक्स्ट मैंने ली है एल्फ गुडनेस की सैंडलवुड रेंज, जो कि मैंने पूरा रेंज लिया है इसके लिए। तो ये है एल्फ गुडनेस की सैंडलवुड पाउडर एंड ये है एल्फ गुडनेस की सैंडलवुड फेस वॉश एंड प्लस इसमें है एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड जेल, उसके बाद है एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड टोनर, ये भी पैकिंग है पूरा। इसके बाद है एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड स्क्रब। ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, जो कि जेल और एंड ये वाला है, बट फेस वॉश बड़ा है। ये पूरी रेंज है बट ये सबसे डिफरेंट है एल्फ गुडनेस में, अगर देखो तो बाकी की रेंज से आपको यही वाली रेंज सबसे अलग दिखेगी, जो कि न्यू है अभी। एंड इसकी ट्यूब पैकेजिंग है, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एल्फ गुडनेस के। पहले मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, मुझे इतने ज़्यादा खास पसंद नहीं आए थे, ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे। बट अभी जो है इनकी रेंज सैंडलवुड के लिए मैंने पूरी रेंज ली है इनकी, तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैंने ये पूरा किट लिया है। सो स्किन केयर में मैंने इतने ही प्रोडक्ट्स पिक किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेकअप में मैंने क्या क्या लिया है। तो फर्स्ट मैंने लिया है NYB का जो एक्स शक्ति लिक्विड आईलाइनर है, ये मैंने पिक किया है। इसकी पैकेजिंग बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। इसमें मैंने टू जो है लाइक आईलाइनर पिक किए, फर्स्ट है ग्रीन, दूसरा है ब्लैक। मैं आपको इसकी पैकेजिंग बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लासी सी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग आपको कुछ इस टाइप की मिलती है। इसमें तीन कलर लॉन्च हुए, एक ये ब्लू, एक ये ब्लैक एंड ये ग्रीन, मैंने दोनों पिक किए हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं इसका स्वेच करके आपको बताती हूँ कितना ज़्यादा इसका शार्प जो है टिप है, आप देख सकते हैं। अगर आपको विंग आईलाइनर क्रिएट करना नहीं आता है तो इसका टिप बहुत 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 ज़्यादा शार्प है। सो नेक्स्ट मैंने लिए पर्पल के लिपस्टिक, जो कि है अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक। सो इसके मैंने सिर्फ दो ही कलर पिक किए हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी पैकेजिंग है।
मुझे नहीं लगा था इतनी छोटी सी लिपस्टिक आएगी, बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट सी पैकेजिंग लगी। तो फर्स्ट मैंने लिया है, ये थोड़ा सा ब्राउन टोन में है, मैं इसको स्वेच करके आपको बता देती हूँ। बहुत ही क्रीमी सी है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा कलर है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, लिपस्टिक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो नेक्स्ट मैंने लिया है, ओपन कर लूँ, ये भी बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये दोनों थोड़ा सा मैच है, बट एक थोड़ा सा रेड टोन में है एंड एक पूरा ब्राउन में है, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट मैंने ये दो लिपस्टिक लिए जो कि एच डी वेलवेट मैट लिपस्टिक है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, लिपस्टिक भी अच्छी, मैं ट्राई करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो नेक्स्ट मैंने लिए हैं बहुत 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 सारी नेल पेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं इतने सारे नेल पेंट्स है। तो मैं फ़र्स्ट आपको एक रेंज बता देती हूँ जो कि मैंने ऐसे ही कलर्स के हिसाब से लिए। तो फर्स्ट मैंने लिया है पिस्ताचियो मैक्रॉन, इसका एक बार मैंने वापस परचेस किया था, बट मेरी फ्रेंड ने मुझसे छीन लिया था क्योंकि उसको बहुत पसंद आया था, अगेन मैंने इसे परचेस किया है। इसके बाद मैंने लिया है कौन सा है, ये थोड़ा सा अलग सा कलर है, इस रेंज का मुझे नेम नहीं पता है कौन सा रेंज है, ये भी बहुत ही अच्छा सा पेस्टल कलर है। नेक्स्ट मैंने लिया है स्टेक वर्की का, इस रेंज का भी नेम मुझे नहीं पता है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ये मुझे 50% में मिला है ऑफ, तो ये मुझे 50 रुपये का एक मिला है, ये 38 रुपीज़ का नेल पेंट मुझे मिला है, तो अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट मैंने जो नेल पेंट रेंज ली है वो है NYB की न्यू लॉन्च, जो कि NYB की शुगर इफेक्ट रेंज है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नेल पेंट है, अगर आप ट्राई करते हो तो आपको पता चलेगा। वन कोट में बहुत अच्छा आपको एक वो बोलते हैं ना शुगर वाली इफेक्ट ही देगी सच में। ये आप कलर्स देख सकते हैं, इसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये मैंने अप्लाई कर रखा है, बट वन कोट है सिर्फ अभी। इसका पूरा रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट ये शेड है, ये बहुत प्यारे प्यारे से कलर हैं, इसमें और भी शेड्स आपको मिल जाएंगे, मैंने सारे पिक नहीं किए हैं। ये कलर बहुत प्यारा है, ये थोड़ा सा गाजरी टोन में है एंड आप देख सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 11-12 जो है शेड मैंने पिक किए हैं। सो ये था गाइस मेरा आज का हॉल वीडियो। सबसे लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा गिफ्ट जो कि पर्पल ने मुझे सेंड किया है। अब आप ये मत सोचना कि ये जो शॉपिंग की है मैंने इसलिए पर्पल ने मुझे इसके लिए गिफ्ट दिया है, नहीं, मैं पर्पल के लाइट मेंबर हूँ, इसीलिए पर्पल जो है रिवॉर्ड देता रहता है अगर आप माइलस्टोन क्रॉस करते हैं। तो जब आप लाइट मेंबर बन जाते हैं तो आपको ऑफ़र भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं हमेशा जो है, इससे पहले भी मैंने लाइट मेंबरशिप ली थी तो वो 1 ईयर के लिए था, वो ख़त्म हो चुका था, इसके बाद मैंने वापस लाइट मेंबर बनी हूँ मैं, क्योंकि वो फिनिश हो गया था। तो आप उसको वापस से बना सकते हैं, जो है आपको मैसेज मिल जाता है। देन मैं वापस बन गई तो मुझे जो है थर्ड माइलस्टोन मेरा क्रॉस हो गया था, क्योंकि इतनी शॉपिंग तो कर ही लेते हैं पर्पल से, क्योंकि इतने सारे रिव्यूज़ करने होते हैं, न्यू लॉन्चेस होती है तो थोड़ा बहुत तो ख़रीदना होता ही है। तो मैंने थर्ड माइलस्टोन क्रॉस किया था, तो पर्पल ने मुझे सेंड किया है सलोन पैलेट फेस मसाजर, जो कि SP का है, SP सलोन पैलेट फेस मसाजर। इसके रिव्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके MRP मैं आपको बता देती हूँ, इसके MRP है 1499 रुपीज़। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो माइलस्टोन ही है सच में, जो कि आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का है। इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें जो है चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये आपको कुछ इस टाइप का रिसीव होता है। फेस वॉश करते हैं तो इससे, अगर आप फेस वॉश करते हैं तो आपके डेड स्किन सेल भी चले जाते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये जैसे टच करेंगे ना तभी लगेगा बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस ये है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनके पास भी है और आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, मुझे भी नहीं मिला था, मेरे भाई ने मुझे बताया था, बैक साइड में आपको यहाँ पे एक जो है पॉइंट दिखेगा, यहीं पे इसका चार्जिंग पॉइंट है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग ऐसी है कि ये जो है वाटरप्रूफ बनाता है इसको, इसीलिए आपको ये ईजिली नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर होल नहीं है। आप जब अपना चार्जिंग पॉइंट इसके अंदर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर चला गया है। आप इसको सॉकेट के साथ अटैच कर देंगे तो यहाँ पर जो है ब्लिंक ब्लिंक लाइट आएगी, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये पूरी रेड लाइट हो जाएगी, तब आपका इसका मतलब है कि ये जो है फुल चार्ज हो चुका है, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था मेरा ये रिवॉर्ड, आई लव दिस, थैंक यू सो मच पर्पल, थैंक यू इसके लिए। सो अगर आप भी लाइट मेंबर बनते हैं तो अगर माइलस्टोन क्रॉस करते हैं तो आपको भी ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जब भी आपका माइलस्टोन क्रॉस होगा। सो आज के लिए इतना ही, सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हॉल वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सारे हॉल्स वीडियोज़ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, टेक केयर।